प्रदेश में लगातार छात्र संघ की मांग बढ़ती जा रही है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर से अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार हम इन छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुभम, जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है वो सरकार तक आप क्या मैसेज देना? हम ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होते, आप किस तरह हमारे कपड़े पुलिस द्वारा फड़वाओगे? हमने वो उतार दिए। हमारा खून आप चाहते हो तो हमने खून से पत्थर लिख दिए। अब आखिरी आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए तो युवा उग्र आंदोलन करेंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, आपने जिस प्रकार से हमसे पैसे लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराने के, उस पैसों का आपको ब्यौरा देना होगा। अगर आप नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तब तक के पैसे प्रत्येक विद्यार्थी को लौटाने होंगे। दिनों पहले आपने प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन के दौरान कई छात्र नेताओं को गिरफ्त में लिया गया था, क्या पुलिस प्रशासन की भी तानाशाही चल रही? नहीं, बिल्कुल पुलिस प्रशासन को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आदेश मिलते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस प्रशासन को आदेश देता है, उसी आदेश पे पुलिस प्रशासन काम करता है। अभी शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा है पुलिस प्रशासन। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बोलने को कुछ जवाब नहीं है, तो वो हमेशा पुलिस प्रशासन को आगे करता है। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि हम आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। इसके बाद क्या रणनीति? इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को अलग अलग तरीकों से हम उनके कान तक बात पहुंचा रहे हैं, अगर नहीं सुनती है तो उग्र आंदोलन राजस्थान के समस्त युवाओं के द्वारा किया जाएगा। देखिए, तमाम छात्र नेता है और जो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना साफ ये है कि अगर छात्र संघ की मांग सरकार नहीं सुनती है तो इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता भी, सर लगातार आपके द्वारा। जी देखिए, हमने कई दिनों से प्रदेश की सरकार के खिलाफ छात्र संघ चुनाव की बाली को लेके मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश का छात्र प्रदेश की सड़कों पर संघर्षरत है, सरकार के कान के अंदर जूं तक नहीं रह गई। सरकार इस मामले के अंदर चुप है। हमारे कांग्रेस के कई विधायकों ने प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये सवाल किया है कि छात्र संघ चुनाव बंद क्यों है, जबकि प्रदेश की सरकार ने युवाओं से वोट लेने के नाम पर प्रदेश के अपने मैनिफेस्टो के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की भी बात रखी थी, पर अब सरकार चुप क्यों है, उस मुद्दे से मुकर क्यों रही है? सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि प्रदेश के छात्र को आपने गुमराह करके विधानसभा चुनाव के अंदर वोट ले लिए। अब उपचुनाव आ रहे हैं, उसके अंदर आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप हमारे पे लाठियां चला रहे हो, आप हमारा खून बहा रहे हो, आप हमारे कपड़े फाड़ रहे हो। उसी के संदर्भ में सरकार ने पुलिस ने हमारे कपड़े फड़वाए, तो आज हम अर्धनग्न हो गए राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर। प्रदेश और पुलिस के सामने हमारे कपड़े खोलकर बैठे हैं और प्रदेश की सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप हमारे कपड़े फाड़ रहे हो, तो हम खुद अपने कपड़े खोल के आपके सामने हैं। आप किसी भी हाल के अंदर कुछ भी मांग लो, आप हमारा खून बहा लो, आप हमारे कपड़े फाड़ लो, आप हमारा शरीर तोड़ दो, पर आप हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे, और किस चुनाव करवाने के लिए इस प्रदेश के छात्र को किसी भी हद तक जाना पड़ा तो ये प्रदेश का छात्र किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, पर प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा और प्रदेश की सरकार को छात्र संघ चुनाव करवाना पड़ेगा। लेकिन तमाम छात्र नेताओं का यही कहना है कि अगर सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती तब तक इनका लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार हम इन छात्र नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल जो हुआ था वो पोस्टपोन हुए थे चुनाव, और इस बार प्रदेश में सरकार इसी कारण पे आई है कि उन्होंने खुद के मैनिफेस्टो में लिखा कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल कराएंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो खुद भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, क्या उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय की हालात नहीं पता? ये हालात आज आप देखेंगे कि जितने भी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय हैं उसके अंदर जितने भी टीचर हैं उनकी कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। अनुपात ये होना चाहिए कि 20-20 अनुपात एक होना चाहिए, 20 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, पर यहाँ वो रखा है कि पूरे महाविद्यालय के अंदर ही 10 वो है शिक्षक हैं। तो मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द छात्र संघ बहाल करें, वरना जो राजस्थान का छात्र है वो सड़क पे आने से नहीं घबराएगा। तमाम छात्र जो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रयास रहता है, और पिछले दिनों भी इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया था। लगातार ये छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र मौजूद है। लगातार ये अब छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले भी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ था, और प्रदर्शन के दौरान
इनको गिरफ्तार भी किया गया था, कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसी के विरोध को लेकर आज यहाँ छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन देवेंद्र शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।